जय श्री राधे दोस्तों। और आज का ब्लॉग है ना, हम मथुरा वृंदावन का बनाने जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं। तो फिर हमने सोचा कि रुक कर चाय पी ली जाए। तो मनीष भाई इधर ही चाय पी रहे हैं और मेरी चाय भी रखी है। मनीष भाई चाय पी रहे हैं इधर, मेरी चाय भी रखी है, मैं भी चाय पीऊँगा। और अगर प्लान में कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना, तो पहले प्रेम मंदिर और उसके बाद रमन रेती जाने का प्लान है। और भी देखते हैं, एक आध दो जगह और हैं। और टाइम बचा, 2 बजे पटवन तो जाते हैं, 15 हो गए, अगर टाइम बचा तो और भी जगह जाएंगे। मिलते हैं मथुरा पहुंचकर, और वहां पर पहुंचकर ही आपसे बात करते हैं। तो तब तक के लिए जय श्री राधे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का रमन रेती के अंदर। ये रमन रेती का सामने जो देख रहे हो मुख्य द्वार है, और यहाँ की रज है ना, जो मिट्टी पड़ी है यहाँ पर लोग खेलते हैं। आगे चलेंगे हम, उसके बाद दिखाते हैं आपको मिट्टी से लोग कैसे खेलते हैं। रमन रेती के अंदर ये छोटी छोटी जो कुटियाँ बनी है ना, ये साधु महात्माओं के लिए हैं। और कुछ बच्चे यहाँ पे गुरुकुल की विद्या भी लेते हैं आचार्य की, तो उनके लिए ऐसी बहुत सारी कुटियाँ बनी हुई हैं। रहने को तो वो मकानों में भी रह सकते हैं, पक्के भी बन सकते हैं, लेकिन शुरू से उनको यहीं रहने की आदत है तो इसी में रहते हैं। बाकी ये एक बहुत बड़ा पांडाल है भागवत वगैरह करने के लिए, और या फिर कोई भी प्रोग्राम करने के लिए। सामने पंखा देख रहे हो ना आप, बहुत बड़ा पंखा है बहुत लोगों के लिए। और जो स्टेज लगी है यहाँ से बैठ के भागवत वगैरह सकते हैं। और हम जाएंगे सामने, और सामने दिख रहा है ना आपको, वहाँ रज मिलेगी रेत। उस रेत में बहुत लोग खेलते हैं, जहाँ श्री कृष्ण जी भी अपने सखाओं के साथ खेलते थे। ये दोस्तों रमन रेती की रज है, जो कभी शरीर पर लगती नहीं है, यानी कि तुम कितना भी खेलो तो शरीर से हट ही जाती है। और सबसे मुख्य कारण पता कब का है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था त्रेता में, तब की रेत है ये। अगर आपको यकीन ना हो तो ये रेत तभी की है, ये तभी की रेत है। हाथ में जैसे आएगी हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा। दोस्तों ये रमन रेती का टाइम हो चुका है 12 बजे का। तो पीछे जो महाराज जी देख रहे हो ना आप, वो सबों को बाहर निकाल रहे हैं, वो सामने लाल कपड़ों में। तो हमें भी जाना होगा, और उम्मीद करते हैं आपको रमन रेती की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आगे हमारे चैनल पे ऐसी बने रहना और अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।